कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या अरेंज मैरिज तो अक्सर होते रहते हैं, पर इस बार बिहार के जहानाबाद में पकड़ुआ शादी की खबर हम आपको दिखाते हैं। किसी जमाने में बिहार जवरिया शादी के लिए बदनाम था, पर जब बिहार में सत्ता बदली और जवरिया शादी के बाद कानून सख्त हुआ तो पकड़ुआ शादी रुक गई। लेकिन बीते दिनों में कई घटनाएं बिहार में फिर से देखने को मिली, जब लड़के को जबरन उठाकर या किडनैप करके उसके जबरन शादी करा दी गई। 21वीं सदी में जबरिया शादी होना हैरत की बात है। लेकिन बिहार के जहानाबाद के टाउन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप से एक नाबालिग युवक को जबरन उठाकर शादी कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। जहानाबाद के आदर्श कॉलोनी निवासी नाबालिग छात्र रवि रंजन कुमार ने टाउन थाना जहानाबाद में अपहरण कर शादी किए जाने को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीले और काले लिबास में दिख रहा है यह रवि रंजन कुमार है। रवि रंजन ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम भाभी सुनैना देवी और उनकी बहन मंजू देवी, जो काको थाना क्षेत्र के देवरत गांव के रहने वाली हैं, ने उसे फोन कर अपने गांव बुलाया। लेकिन बीच रास्ते में ही बस स्टैंड के समीप पहुंचते ही पहले से घात लगाए 5 लोगों ने लाल रंग के 4 पहिया गाड़ी में उसे जबरन बिठा लिया और मोबाइल भी छीन लिया। बदमाशों ने रविरंजन को अपने साथ गाड़ी से मदारपुर ले गए, जहां जबरदस्ती सभी लोगों ने मिलकर उसकी शादी करा दी। रविरंजन का आरोप है कि वह नाबालिग है और जबरन उसकी शादी करा दी गई है। परिवार वालों को जब इसकी सूचना मिली तो 12 दिसंबर को सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे छुड़ाकर घर लाए और थाने में शिकायत की। शिकायत के आलोक में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लड़के का न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। सर, मेरे साथ घटना घटी थी ना सर, कि मतलब हमको फोन करके बुलाकर गाड़ी में बैठा कर लेके चले गया सर, और मतलब वहाँ घर में उतार कर सर कमारी बंद कर लिए। हम अंदर से भी कमारी बंद कर लिए, बाहर से भी कमारी बंद कर लिए सर, और मोबाइल मांगे सर कि मोबाइल दोनों ही को फांसी लगा लेंगे। था उसका सर कारण हमको पता नहीं था सर, वो लोग पता ना काहे के लिए किडनैप करके फिर बाहर कमारी खोले ना सर, तब ये मतलब इसी जो सब बोल रहा था कि शादी ब्याह कराने का अथी कर रहा था। सारे परिवार वाले थे आपके जो जो गाड़ी में ले गए थे? मेरे परिवार वाले नहीं थे सर। तो फिर कैसे निकले वहाँ से? वहाँ से सर सुबह में 4:30 बजे फिर पापा भैया लोग आए तब ले गए सर। लड़की वाले लोग कह रहे हैं कि शादी कर करा दिए हैं, इसका क्या मतलब? नहीं सर, सब झूठ झूठ बोल रहा है। पैर वगैरह आपका रंगा हुआ है? हाँ सर, बरियारी सब रंग दिया था सर। बरियारी बोल रहा था सर, बरियारी नहीं हुआ है सर, शादी वगैरह बंधुओं के समय दिखा रहा था सर, तब हम बोले कि सब मारपीट भी किया था सर एक दूल्हे का, तब हम नहीं कुछ बोले और का सर नहीं दिए सिंदूर वगैरह नहीं दिए सर। कहाँ घर है आपका? सर कोठिया घर है सर, कोठिया घर है। कहाँ कोठिया? काको फिर सर। और कहाँ ले गया था? मदारपुर, जहानाबाद रहते थे सर, जहानाबाद से ले गया था मदारपुर सर। किडनैप कहाँ पे किया था? बस स्टैंड सर। तो हल्ला वगैरह नहीं किए सर? हल्ला वगैरह किए थे सर, भाई बैठा के लेके चले गए सर, निजामदीपुर भी सर। तो परिवार वाले आए तो केस किए? हाँ सर, परिवार हम खुद केस किए सर, परिवार वाले के मतलब साथ में। किन पर केस किए? लड़की वाले पर केस किए सर। क्या नाम है लड़की? सुनैना देवी और मंजू देवी सर। कोई रिश्तेदारी है उनसे? नहीं सर, कुछ भी रिश्तेदारी नहीं है। उनका घर कहाँ है? देवरा था, निजामदीपुर है सर। दोनों साथे बहन है सर, सिस्टर है। शादी के नाम पर आपको उठाए थे? सर हमको पता नहीं था सर, उन लोगों को पता ना कि शादी का करवाने के लिए, किडनैप करने के लिए, कि जान मारने के लिए, पता नहीं था।
क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? बच्चा सब्जी खाने गया था, फोन किया सुनना देवी मनी देवी ये राजा वो कहाँ आता फिर बच्चा पहुँच गया, बच्चा का पकड़ के चलो पीछे काम है, लेकिन बच्चा के लोग थोड़ी बढ़ ली दीपो से आगे गांधीपुर जिले में बच्चा का टिकट कर लिया, गाड़ी पर चढ़ा लिया, चढ़ा के चलिए कौन गाँव में बेचारा दर्जे खास जाली कौन गाँव में लेकर गया, फिर अपना बच्चा जाकर हुआ अपना जैसे वो हमें कोई पता नहीं मोबाइल स्विचो किसको बताया मोबाइल कितने फोन करी तो स्विच मतलब छीन लगी तो स्विच बताने लगा और पता नहीं फिर आओगे बस ये अपना जान दिया गया ये बात सब आओ देखो चल गए किडनेप हो गया तो फिर फोन करके बचवा बच्चा फोन के नहीं पहुँचे वहाँ साढ़े चार बजे घर में तो मोबाइल मिला तो फोन किया हमने पहुँचे सभी सभी से लेके आए बच्चा के किस लिए किडनैप किया गया था वो पता है सर शादी करा करके कि मारे ला करके वो कोई क्यों जाने कभी वो हमें जंगली हाला ये हम कहीं शादी करा करके आप लोग नहीं पहुंच पाते तो शादी हो जाती हाँ सर और झूठ में पता है शादी हो गया शादी कर दी किस लिए किडनैप किया था वो तो 5 साल 5 गए किस लिए किडनैप हुआ था क्या नाम है आपका कौन है लड़के के हाँ ये दर्ज हुआ 2 दिन पहले एक मामला एक लड़का और उसके गार्जियन आए और बताए कि हमारी जबरदस्ती शादी जो है बहला फुसला कर हमको उनको उस लड़के को बस स्टैंड के पास कोई रिश्ते की भाभी और चाची सुनैना देवी और मंजू देवी देवरथ काको थाना की तो कहीं बुलाई तो वो गया तो उसका उस लड़के का कहना है कि उसने आरोप लगाया है कि 3-4 आदमी और थे हमको ज़बरदस्ती जो है गाड़ी में बैठा के ले गए और हमारी शादी करा दिए सर वो लड़का नाबालिग कह रहा है और क्या क्या कार्रवाई हाँ वो जो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखा गया तो वो लड़का 16 साल 8 महीने का उसका सर्टिफिकेट निकला तो इसमें किन धाराओं में किडनैपिंग और प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है ये तो एक गंभीर है कि नाबालिग को जबरन जबड़िया जी हाँ इसलिए तत्काल उस मामले को दर्ज किया गया लड़के का कोर्ट में धारा 164 दोपहर का बयान दर्ज कराया गया और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। इस पकरुआ शादी के बारे में जहानाबाद के टाउन इंस्पेक्टर रवि भूषण ने कहा कि इस मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर लड़के का न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल जहानाबाद के इस जबरिया शादी की घटना ने एक बार फिर बीते दिनों में होने वाले जबरिया शादी की याद दिला दी है। खुलासा के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।